आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दर्स ख़ास है उन लोगों के लिए जो तालिब इल्म हैं, या जिन्हें दीन का इल्म या कोई भी इल्म जो इस्लाम की हुदूद के अंदर आता हो उसे हासिल करने का शौक़ हो, और उसमें वो तरक्की भी चाहते हों, वो जहन की तेज़ी भी चाहते हों। तो इससे मुतालिक मैं आपको चंद एक कुरानी आयात बताना चाहता हूँ। तरक्की इल्म के लिए बहुत मशहूर दुआ है, आप में बहुत सारे लोगों ने इसे याद भी किया होगा, कुरान करीम की आयत मुबारका में भी मौजूद है, और ये ख़ास तालीम है मेरे रब की मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को और आपकी वजह से तमाम उम्मत को। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मुझे बढ़ा दे इल्म के हुसूल में, मेरे इल्म को तरक्की दे दे। इल्म तो बहुत है लेकिन मुझे उसमें तरक्की दे दे। और तरक्की इल्म के लिए हर नमाज के बाद जिस कदर हो सके पढ़ा करें। तो पहले तो आपने नमाजों की पाबंदी करनी है, उसके बाद फिर ये काम करना है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट बहुत मारने की कोशिश करते हैं, नमाज नहीं पढ़नी उन्होंने लेकिन चाहिए उन्हें दुनिया सारी। तो भाई ये हासिल करने के लिए नमाज पढ़नी पड़ेगी, फ़र्ज से नहीं भाग सकते आप, फ़राइज़ को पूरा करें और उसके बाद अपने रब से दुआ करें, ठीक होगी बात। अच्छा, इसी तरह ज़कावत जहन के लिए, जहन को ज़की बनाने के लिए, अक्लमंद बनाने के लिए जो दुआ है वो सूरह तौहा में मौजूद है, और ये वो दुआ है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से मांगी, और कब मांगी, जब सामने ज़ालिम फ़िरौन से टाकरा था। तो तरक्की इल्म और कुशादगी जहन के लिए ये दुआ आपने पढ़नी है, रब्बिश्रहली सदरी। आप इसका तर्जुमा देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, इसीलिए मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बिश्रहली सदरी, शरह सदर का होना, सीने का खुल जाना, यानी बात का अरबी ज़बान में ये एक्सप्रेशन होता है, सीने के खुल जाने से क्या मुराद होती है कि बात का समझ में आ जाना, जहन नशीन हो जाना। रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी, ए मेरे रब मेरे लिए मेरे काम आसान कर दे। वहलुल उक्दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरहों को खोल दे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप प्रेजेंटेशंस में जाते हैं, आप स्पीचेस करते हैं, या आप डिबेटर हैं, या आपको कम्युनिकेशन करनी होती है, जॉब पे तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट लाइफ में भी, और वैसे भी आम जिंदगी में भी तो कम्युनिकेशन एज है आजकल, तो उसमें कम्युनिकेशन में मेरे कोई प्रॉब्लम है तो बारी ताला उसे दूर फरमा दे, मेरे ज़बान के उक़दे को खोल दे कि मैं अपनी बात लोगों को बता सकूं, यफ़क़हु क़ौली, और वो मेरी बात समझ भी सकें। ये बाज़ लोग बात तो कर पाते हैं, कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन वो एक सर्टन ग्रुप ऑफ लोगों तक कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो हर एक से क्लिक नहीं कर पाते, लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाते। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे प्रोफेसर्स होते हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता, वो अपना इल्म नहीं दे सकते। तो इसलिए बहुत खूबसूरत दुआ है, रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। पढ़ना कब है, ये हर रोज़ पढ़ना है, सुबह के बाद, यानी सुबह की नमाज़ पढ़नी है ना फजर की, तो फजर की पाबंदी भी करनी है, ठीक होगी बात। नमाजों की पाबंदी आपने करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको जितने वज़ाइफ़ बता रहा हूँ उसे मैं नमाज से जोड़ रहा हूँ। देखो, फजर की नमाज़ पढ़नी है, फजर की नमाज के बाद आपने, उलमा ने जो एक अदद लिखा है वो आपसे शेयर करता हूँ, 21 बार, वो कहते हैं कि ये मुजर्रब है, इसका फ़ायदा बहुत होता है, एक अदद होते हैं ना उलमा ने अपनी मेहनतों से, तो 21 बार का वो मुजर्रब कहते हैं।
आप हज़ब तौफीक पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें बेहतर है। ये देखो ना, अल्लाह से मांग रहे हो ना, ये दुआ है, कुरान की दुआ है और नबी की सिखाई हुई दुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नमाज के साथ जोड़ दो, यानी अभी अपने रब की इबादत करके उठो और उसके आगे अपनी अर्जी रख दो और कसरत से रखो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये दो अमल आपने करने, पहला वाला हर नमाज के बाद और दूसरा वाला सुबह फजर की नमाज के बाद फ़र्ज़ पढ़ के कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इन दुरूस की MP3s हासिल करने के लिए मेरे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।